नमस्कार, मेरा नाम सलोनी वर्मा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 70 आई है और डीकेटी के इस वीडियो के द्वारा मैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा दूसरा प्रयास था। मैंने 2019 में अपना पहला प्रयास दिया था जिसमें मैंने कट ऑफ से कम 50 मार्क कम आए थे प्रीलिम्स में, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था और उस एक्सपीरियंस से सीख के मैंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में काफ़ी बदलाव किए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने बारे में पहले थोड़ा बता दूँ, मैं जमशेदपुर में पैदा हुई थी पर मेरा जो पूरा जीवन है वो दिल्ली में ही बीता है। 2019 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना बीए ऑनर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में, और मेरा जो ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। तो अब मैं प्रीलिम्स के बारे में बताती हूँ। तो जो मेरा पहला प्रयास था मैंने 2019 में दिया था। मैंने थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में ही अपना मन बना लिया था कि मैं इस परीक्षा में बैठना चाहूंगी। यूपीएससी परीक्षा में असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये आपकी सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। सिविल सेवक बनने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप केवल आर्थिक तंगी के कारण अगर डीमोटिवेटेड हैं, फिर स्मैश यूपीएससी 2023 पहल में आपका स्वागत है। सिविल्स डेली द्वारा ये पहल भारत का सर्वश्रेष्ठ छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क है। शीर्ष 100 रैंक लाने वाले छात्रों को स्मैश फाउंडेशन कोर्स पर 60% की छूट मिलेगी। परीक्षा की तिथि 20 मार्च है। परीक्षा सुबह 10 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और 2 घंटे की अवधि की होगी। टेस्ट का सिलेबस जीएस प्रीलिम्स पेपर जैसा ही होगा। स्नूज मोड से बाहर निकलें और अभी रजिस्ट्रेशन करें। 2018 जुलाई जब मेरा तीसरा साल शुरू हुआ था कॉलेज का, तो तब मैंने काफ़ी वक्त बिताया इस एग्ज़ाम को समझने में, क्या टॉपर स्टॉक जो बाकी होते हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब देखने में। फिर उसके बाद अगस्त और सितंबर 2018 में मैंने स्पेक्ट्रम जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है और लक्ष्मीकांत जो कि पॉलिटी के लिए है, ये 2 किताबों से अपनी तैयारी शुरू की थी। उस वक्त यही गोल था कि 2019 में बैठेंगे और पहले प्रयास में ही निकाल डालेंगे। लेकिन हुआ ये कि भले ही मैंने वो 2 महीने पढ़ाई की थी, इन 2 किताबों को मैंने कम से कम 2-3 बार किया होगा, अच्छे से अपने नोट्स भी बनाए थे, पर उसके बाद जो कहते हैं ना, मेरा वो डिसिप्लिन या अनुशासन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में, मैं उसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी। डीकेटी यूपीएससी सीएस, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएसई चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो वो एक डिसिप्लिन बिल्कुल चला गया, इसलिए जब अगले साल प्रीलिम्स आया तो तब भी मैं थोड़े झूठे दिलासे में थी कि चलिए दे देते हैं, क्या पता तुक्के में ही निकल जाए। पर वो ऑब्वियसली एक बहुत कहते हैं अनुचित नीति थी, क्योंकि अगर उस साल निकल भी जाता मेरा तो मेंस में तो मतलब निश्चय तौर से बहुत बहुत ज़्यादा भारी तरीके से मैं फेल हो जाती। तो 2019 में जब मैं प्रीलिम्स में गई तो ऑब्वियसली मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई थी, लेकिन उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा जो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कैसे मैंने बदलाव लाए अपने तरीके में। पहली चीज़ तो ये सीखी थी कि भले ही मैंने तैयारी ठीक नहीं की थी, लेकिन पॉलिटी और हिस्ट्री जो मैं पढ़ के गई थी उसके सवाल मैं कर पा रही थी अच्छे से। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि अच्छा, अगर मैं पढ़ के जाऊंगी तो शायद मैं कर सकती हूँ प्रीलिम्स कम से कम। पर दूसरी चीज ये मैंने सीखी कि अपना 100% देना है। अब मैं चाहती हूँ कि अगला कोई अटेम्प्ट मैं ऐसे रिग्रेट ना करूँ, और मैंने सोचा मैं एक इंटीग्रेटेड नीति रखूंगी ताकि अगले अटेम्प्ट यानी 2020 में प्रीलिम्स और मेंस साथ में पढ़ाई करेंगे। तो अब मैं स्पेसिफिकली आती हूँ अपने 2020 के अटेम्प्ट के लिए, जिसके लिए मैंने तैयारी जून 2019 से शुरू कर दी थी। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी मेंस के साथ, जो मेंस की अप्रोच एक और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। पर जैसे बुक लिस्ट वगैरह हो गई, वो तो सेम किताबें थी जो सब फॉलो करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, पर फ्रैंकली वो इतनी मददगार तो नहीं थी, उसका इतना मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत ज़रूर की थी, पर मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था एनसीईआरटी, तो मैंने पीएमएफआईएस.कॉम करके एक साइट है
वहाँ से फिर मैंने मदद ली थी। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके लिए कोई भी कोचिंग का पीडीएफ ले लें, मैंने विजन आईएएस का लिया था जो साल के एंड में आता है। और उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी है, मुझे बहुत डर लगता था इससे, तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज इसके लिए यूज़ किए जो शायद ज़रूरी ना हो। मैंने मृणाल सर के यूट्यूब चैनल्स देखे, मैंने फिर उसके अलावा एक रमेश सिंह जी की किताब है उसको यूज़ किया, और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो, और उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए मैंने शंकर आईएएस की एक किताब का इस्तेमाल किया था, और एक और यही सब है, मोस्टली करंट अफेयर्स। तो किताबों के बावजूद मैंने कुछ चीज़ें की थी जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि मेरे पास एक गूगल एक्सेल का स्प्रेडशीट होता था, उसमें मैं क्या करती थी, जो भी मैं टेस्ट लिख रही हूँ प्रीलिम्स के जो मॉक्स हैं उसमें मैं रिकॉर्ड करती थी कि अच्छा ठीक है, टेस्ट नंबर वन स्कोर इतना आया है, कितने मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, एक्यूरेसी रेट कितनी है। तो जब 10-12 टेस्ट होने लगे तो तब मुझे एक पैटर्न दिखने लगा कि हाँ शायद मैं इतना जब अटेम्प्ट करती हूँ तो इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, इतने नहीं। मैंने कुल मिला के कम से कम 80-90 टेस्ट ज़रूर दिए होंगे, वो इसलिए भी क्योंकि हमारा प्रीलिम्स काफ़ी डिले हो गया था कोविड के चक्कर में। तो एक ये कि मेरे पास एक गूगल शीट थी जिससे मेरा बहुत डेटा बन गया था आफ्टर अ पॉइंट कि अच्छा ये मेरा जो कहते हैं ना स्वीट स्पॉट कि यहाँ पर मेरे नंबर अच्छे आ रहे। जो दूसरी चीज़ मैंने की थी प्रीलिम्स के लिए वो करंट अफेयर्स, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैं क्या करती थी, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी, पर न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मैं पहले कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट, मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया खोलती थी, पहले मैं देखती थी उन्होंने क्या करंट अफेयर्स डाले हैं उस दिन के। तो मान लीजिए शाम के 7 बजे मैंने खोले, आधा घंटा लगता था उनके करंट अफेयर्स पढ़ने में। उसके बाद मैं अखबार खोलती थी द हिंदू, और जो आर्टिकल्स उस अखबार के इनसाइट्स ऑन इंडिया ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं मैं वो पढ़ती नहीं थी अखबार में, मैं वो स्किप करती थी और अखबार में वही पढ़ती थी जो उस वेबसाइट ने कवर नहीं किया है। तो इससे काफ़ी टाइम बचता था क्योंकि काफ़ी कुछ तो कवर हो जाता था। तो आप ये शायद ट्राई कर सकते हैं। तो डेली ये स्ट्रैटेजी होती थी अखबार पढ़ने की, और मंथ के एंड में कोई भी मैगजीन आ गई मैं विजन का यूज़ करती थी, उससे मैं टैली कर लेती थी कि अच्छा मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया। तो दिन के मेरे को 1 घंटे ऐसे लग जाते थे करंट अफेयर्स में। और हाँ, नोट मेकिंग पे आऊँ प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, मैं हर दिन जो करंट अफेयर्स की नोट्स बनाती थी बट ऑनलाइन बनाती थी, और एवर नोट वगैरह कुछ नहीं, मैं तो गूगल डॉक्यूमेंट्स पे ही बनाती थी। मैंने एक फोल्डर बना ली थी मंथ बाय मंथ, जैन फेब जो भी, और हर फोल्डर के अंदर पेपर बाय पेपर करंट अफेयर्स ऐड करती थी। ऑनलाइन नोट्स में फ़ायदा यही होता है कि आप कभी भी उसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और तो एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स है कि अगर आप नोटिस करें काफ़ी कुछ रिपीट होते रहता है। जैसे मान लीजिए इस महीने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है खबर में, तो फिर हो सकता है 2-3 महीने बाद फिर वो आ जाए। तो मैं क्या करती थी, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ एनजीटी को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, काफ़ी फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं, जब वो 3 महीने बाद फिर न्यूज़ में आता था तो फिर मैं कोशिश करती थी कि बिफोर लुकिंग एट जो नोट्स हैं मेरे, मैं पहले खुद याद करूँ एक बार कि मैंने क्या पढ़ा था। तो उससे क्या होता था कि थोड़ा एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास आता था कि हाँ शायद थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ। और इस सब तैयारी के बाद अब मैं जो तीसरी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी वो प्रीलिम्स में पेपर जब देते हैं तो क्या एक जो मानसिक स्थिति जिसको कहते हैं वो क्या होनी चाहिए। तो हमारा जो पेपर आया था स्पेशली, वो काफ़ी लोग कहते हैं बहुत विचित्र था, बहुत अलग था, और था ही, बहुत अलग अलग तरह के सवाल थे। तो उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में मुझे सिर्फ 25 या 30 सवाल मुश्किल से आते होंगे, और उस वक्त लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि देखो मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा, शायद ये झूठा दिलासा ही था, पर मैंने अपने आप को ये बोला और थोड़ी हिम्मत बनाई, और जो मेरे को गट फीलिंग से जो आ रहा था मैंने वो मार्क किया, स्पेशली वो सवाल जिनमें 2 या 3 ऑप्शंस में से मेरे को डाउट था। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप इतनी अच्छी अपनी रिविजन कीजिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, कि आप जब उस हॉल में हो और आपको 2 ऑप्शंस से 1 चुनना हो तो आपके मन में शंका ना हो कि शायद मेरा ठीक से याद नहीं है। आपको अपने आप पे तो पूरा होना ही चाहिए कॉन्फिडेंस और विश्वास कि मैंने बिल्कुल अच्छे से किया है। आई थिंक दैट इज़ वेरी एसेंशियल प्रीलिम्स के लिए, खास तौर से क्योंकि पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। और दूसरी चीज़ कहूँगी कि रिजिड माइंडसेट से ना जाइए कि 80 सवाल ही करेंगे, 90 ही करेंगे। मैं सोच के गई थी मैं 90 करूँगी, पर पेपर इतना अजीब था कि 80 से ज़्यादा मैंने किए नहीं, और थैंकफुली वो कट ऑफ क्लियर हो गया। चौथी बात ये कहूँगी सीसैट बिल्कुल इग्नोर ना करें। मैं तो ह्यूमैनिटीज़ की छात्रा थी तो मैं तो काफ़ी मतलब डरी रहती थी कि उसी में शायद नंबर ना आए, पर हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है उसमें भी। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालिए, उनको सॉल्व कीजिए, एंड उससे काफ़ी काम आपका हो जाना चाहिए।
और अंत में प्रीलिम्स के आदमी बस एक चीज कहना चाहूंगी कि ये बस एक क्वालिफाइंग स्टेज है, उसको वैसे ही ले, और कोई भी मतलब एक कोई सेट तरीका नहीं है इसका। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए इंडियन इकोनॉमी में मैंने 2 महीने दिए थे, मुझे सबने कहा ये बहुत ज़्यादा है क्यों, बट मुझे पता था मुझे वो चाहिए। तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से जो सही लगता है वो कीजिए, एज लॉन्ग एज आप मॉक्स में ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। तो बस मेरी तरफ से प्रीलिम्स के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।